हेलो एवरीवन, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट टाइप के साइबर क्राइम दैट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? किसी की पहचान, ठीक है। और थेफ्ट क्या होता है? चोरी करना, किसी की पहचान चोरी कर लेना, ये शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल सकते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट को। तो ये लेक्चर बहुत ही इजी लैंग्वेज में होने वाला है, ये नोट्स भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में होने वाले हैं। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम एक ईजीएस्ट लैंग्वेज में आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम आइडेंटिटी फ्रॉड भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट और आइडेंटिटी फ्रॉड सेम है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी क्रिमिनल किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कोई क्राइम कमिट करता है। फॉर एग्जांपल, कोई क्रिमिनल किसी और के मोबाइल नंबर का यूज़ करके, वो सिम कार्ड किसी और के नंबर पे रजिस्टर है पर वो उस सिम कार्ड का यूज़ करके किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। तो क्रिमिनल क्या कर रहा है? किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्राइम कमिट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी थेफ्ट बोलेंगे। तो आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ क्राइम इन विच अ इम्पोस्टर मतलब क्रिमिनल, फ्रॉड बंदा, ऑब्टेन पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन टू यूज देयर आइडेंटिटी टू कमिट फ्रॉड। सिंपल है। अब उसके बाद जो इम्पोस्टर है, जो क्रिमिनल है, वो किसी की भी आइडेंटिटी क्यों चुराएगा? तो सबसे पहले तो हो सकता है कि वो किसी और की आइडेंटिटी चुरा के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर ले और उस क्रेडिट कार्ड को खुद यूज़ करने लग जाए, या तो फिर उसके नाम का टैक्स फाइल कर दे और खुद रिटर्न लेने लग जाए। तो ये डिफरेंट टाइप के क्राइम्स हैं जो होते हैं आजकल, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चुरा के क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है? तो सबसे पहले तो वो विक्टिम का सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिस सोशल सिक्योरिटी नंबर मतलब आधार कार्ड नंबर चुरा सकता है। उसके बाद उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स चुरा सकता है और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो क्रिमिनल चुरा के फ्रॉड कमिट कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो कंप्यूटर मतलब तो आजकल क्या हो रहा है कि जो क्रिमिनल्स है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या आईटी या डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई भी किसी का भी कंप्यूटर है वो घूम गया है या वो उसने डंप कर दिया है, तो क्रिमिनल्स क्या करेगा कि उस डंप्ड कंप्यूटर की या स्टोलन कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को सर्च करेगा और उसमें से उस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, या कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर से उसको हैक कर लेगा और करने के बाद उस कंप्यूटर से उस विक्टिम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, या सोशल नेटवर्किंग साइट से जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, उसको ब्राउज करके उसको स्टॉक करके किसी भी बंदे को उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालेगा। तो इस टाइप से जो है वो ये कॉमन तीन टाइप है जिससे कोई भी क्रिमिनल जो है वो किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। तो टोटल 6 टाइप के आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिमिनल होता है वो सामने वाले बंदे के इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराता है। फॉर एग्जांपल कि उसका आधार कार्ड नंबर चुरा लिया, उसका आधार कार्ड चुरा लिया और उसके नाम पे एक लोन अप्लाई कर दिया और उस लोन को खुद ले लिया और बाद में पैसे ही ना भरे। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिटी थेफ्ट। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर मतलब क्या होता है? आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल जो है वो विक्टिम का सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लेता है और उसको यूज़ करके वो कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और बाद में बिल भरे ही ना। उसके बाद एक टाइप का आइडेंटिटी थेफ्ट होता है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो क्रिमिनल है वो विक्टिम की मेडिकल इंश्योरेंस को यूज़ करने के लिए उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
एक्सेस करता है. फॉर एग्जाम्पल कि क्रिमिनल ने विक्टिम का हेल्थ इंश्योरेंस नंबर ले लिया टू रिसीव मेडिकल सर्विस. अब इससे क्या होगा कि क्रिमिनल विक्टिम के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को फ्रॉड बिल्स भेज सकता है. ठीक है, ये सिंपल था. उसके बाद सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट. अब इसमें क्या होता है ना कि जो फ्रॉड है, जो क्रिमिनल है, वो क्या करता है कि रियल आइडेंटिटी को, किसी और की रियल आइडेंटिटी को कुछ फेक इन्फॉर्मेशन के साथ मिक्स कर देता है. फॉर एग्जांपल उसने एक आधार कार्ड नंबर लिया, उस आधार कार्ड नंबर में उसने नाम वही रखा, बाकी की सारी डिटेल्स सेम रखी, बट फोटो बदल दिया. ठीक है, और उस आधार कार्ड नंबर से लोन ले लिया या कुछ भी कर लिया, तो ये क्या हो गया, सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट की कैटेगरी में आ गया. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंथेटिक आइडेंटिफायर इज द टाइप ऑफ फ्रॉड इन विच क्रिमिनल कंबाइंस रियल एंड फेक इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी. ठीक है, उस बाद में वो उस आइडेंटिटी का कहाँ यूज़ करेगा, ओपन फ्रॉड अकाउंट्स या मेक फ्रॉड परचेसेस, है ना. अब नेक्स्ट फिफ्थ टाइप की आइडेंटिटी थेफ्ट होती है टैक्स रिलेटेड आइडेंटिटी थेफ्ट. इसमें क्या होता है, क्रिमिनल विक्टिम के नाम पे फॉल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है. फॉर एग्जांपल उसने क्रिमिनल का सोशल सिक्योरिटी नंबर, आधार कार्ड नंबर कहीं से ले लिया और पासवर्ड ले लिया, और उसके बाद उसकी टैक्स इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके अंदर का बैंक अकाउंट डिटेल चेंज कर दिया, बैंक अकाउंट अपडेट कर दिया, और जो रिफंड है फिर खुद के बैंक अकाउंट में मनवा लिया. तो टैक्स की चोरी के लिए क्रिमिनल ये थेफ्ट कर रहा है. ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी एक तरीके के बहुत डेंजरस आइडेंटिटी थेफ्ट है. इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल, मान लो कि किसी क्रिमिनल ने चोरी करी, चकारी करी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया. अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसने क्या करा कि पुलिस के रिकॉर्ड में किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिट करा दी, किसी और का आधार कार्ड लिया या और पुलिस को वो बता दिया. तो इससे क्या हुआ कि क्रिमिनल बाद में अगर छूट जाएगा तो रिकॉर्ड में तो विक्टिम का नाम चला गया, तो विक्टिम जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. तो इसमें क्या होता है, इन दिस फ्रॉड द क्रिमिनल अंडर अरेस्ट, जो क्रिमिनल अरेस्ट होता है वो प्रोवाइड अनादर पर्सन स्टोलन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, वो किसी और की आइडेंटिटी चुरा के पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज करा देता है. इफ़ द एक्सप्लॉइट इज सक्सेसफुल देन द विक्टिम्स फॉल्ट रिकॉर्ड विल बी फील्ड इंस्टेड ऑफ थीफ. तो इससे क्या होता है कि विक्टिम का रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में चला जाता है और थीव जो है वो बाद में फ्यूचर में बच जाता है. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ. थैंक यू.